हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास गाड़ी नंबर है तो उससे गाड़ी की डिटेल कैसे निकालनी है, जैसे कि गाड़ी का मालिक कौन है, उसका एड्रेस क्या है और ये कौन सी गाड़ी है, ये कब रजिस्टर की गई थी, इसका इंश्योरेंस कब तक ख़त्म है, कब ख़त्म होगा, कब तक, कब इसने इंश्योरेंस करवाया था और इसका पोल्यूशन जो है वो कब तक इसने करवा रखा है, कब वो एक्सपायर होगा। तो ऐसे ही डिटेल को जानने के लिए हमने आपके लिए आज ये वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें ओपन करना है अपना गूगल प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद में हमारे को सर्च करना है एम परिवहन के नाम से ये ऐप है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसको हमें करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगी हमको इसको ओपन कर लेना है। इसी ऐप के अंदर हमारे को पता लगेगा भाई इंश्योरेंस डिटेल कब तक इसकी वैलिड है या किसके नाम से गाड़ी है। यह गवर्नमेंट की ऐप है, गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑर्गेनाइज होती है ये ऐप। ये चीज़ अपने को कर देना है स्किप। जब देख सकते भाई इसमें आपको ना डी एल की डिटेल निकाल सकते हो और आर सी की निकाल सकते हो, वर्चुअल आर सी भी आप इसमें निकाल सकते हो, आर सी शेयर कर सकते हो, जैसे इसमें डिटेल कर सकते हो आप। आपको ये हिंदी में करनी है, इंग्लिश में जैसे मैं कर लेता हूँ इंग्लिश में और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में ये यहाँ पे दिखाएगा डैशबोर्ड, आरसी डैशबोर्ड और डीएल डैशबोर्ड। तो मैं क्लिक कर देता हूँ आरसी डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको नंबर डालना, जैसे एंटर आरसी नंबर टू गेट डिटेल। आपको यहाँ पे अपनी बाइक या गाड़ी का नंबर डाल देना है। मैं नंबर डाल देता हूँ जैसे गाड़ी का। ये बोल रहा भी लॉगिन करना पड़ेगा आपको सर्च करने से पहले, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा ताकि सरकार को पता चलता रहे भाई किस किसने कौन सी डिटेल अपनी यहाँ पे निकाली है, और मोबाइल नंबर से भी आपकी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगी। तो मैं ओटीपी को वेरीफाई कर देता हूँ। साइनअप कंप्लीट, अपना नाम यहाँ पे डाल देना और साइनअप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने को नंबर डालना है अपनी गाड़ी का या जिसकी गाड़ी की आप डिटेल देखना चाहते हो, सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे दिखा देगा आपको भाई क्रेटा गाड़ी है, ये इसका मॉडल वेरिएंट है, ये नाम है, नाम है इन्होंने स्टार लगा रखा है। तब तक भाई आपके पास इंजन नंबर और चेसिस नंबर के लास्ट फोर डिजिट नहीं है तब तक आप ये चीज़ नहीं देख सकते भाई किसके नाम पे गाड़ी है। कभी रजिस्टर की व्हीकल एज दिखा रहा भाई 7 मंथ की व्हीकल एज है। रजिस्ट्रेशन हुई है इसकी अक्टूबर 2013 में। फिटनेस वैलिड है, इसकी फिटनेस भी यहाँ पे शो होगी। इंश्योरेंस वैलिड है इसका भाई 1 अक्टूबर 2021 तक इसका इंश्योरेंस वैलिड है। और PUCC पोल्यूशन सेंटर जो पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड अपना अक्टूबर 15 तक। अगर अपने को कोई चलान देखना है तो यहाँ पे आप चलान भी देख सकते हैं। उसके लिए अपने को डालना पड़ेगा लास्ट के फोर डिजिट चेसिस नंबर के और इंजन नंबर के। जैसे ही आप डिटेल डालते हैं तो हमारे को यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएंगी इसकी, कि भाई इसके ऊपर कोई लोन है या नहीं है, इसका एड्रेस क्या है, और अगर इसने पॉलिसी ले रखी तो कौन सी कंपनी की पॉलिसी ले रखी है, और साथ में ही पॉलिसी नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं आपको किस चीज़ में समस्या आ रही है ताकि हम उसका वीडियो बनाकर सॉल्यूशन कर दें। थैंक यू दोस्तों।